हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट अर्चना और आज का टॉपिक है स्ट्रॉबेरी का प्लांट। आप लोग देख सकते हैं मैंने नर्सरी से दो प्लांट खरीदा हुआ है और आज इसी के बारे में बात करूंगी। इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए, एक हेल्दी प्लांट का चुनाव कैसे किया जाए, तो ये सब कुछ आज के वीडियो में मिलेगा। तो अंत तक वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो प्लांट खरीदा है उसमें से एक प्लांट में फ्लावर और फ्रूट लगे हुए मुझे मिले हैं और दूसरा ऐसे ही है। तो हेल्दी प्लांट का चुनाव करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्लांट लेते समय ये देखना चाहिए कि उसकी पत्तियां लस्क ग्रीन होनी चाहिए और इसकी पत्तियों में चमक होनी चाहिए। और सॉइल की बात करूँ तो नॉर्मल गार्डन सॉइल लिया है, उसमें मैं नीम की पत्तियों का मैं डस्ट ले रही हूँ, आप नीम खली ले सकते हैं। और ये कंडे मैं यूज़ कर रही हूँ, इसकी जगह आप काउड मेन्योर ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मुझे कुछ ये गॉट के मेन्योर भी मिल गए हैं तो मैं इसे भी ऐड कर रही हूँ, तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अब देखिए, वेल्डन बनाने के लिए सैंड इसमें ऐड करना है तो मैं सैंड यूज कर रही हूँ। कोई रेशियो नहीं है इसमें, आपकी सॉइल कितनी चिकनी मिट्टी है तो ज़्यादा सैंड देना पड़ता है और अगर कम है तो कम डालने से भी चलेगा। और देखिए, अब मैं डाल रही हूँ ये एग सेल, इसकी जगह आप चाहें तो बोन मील यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेना है। कोई निश्चित अनुपात नहीं है, बस अंदाजे से सब कुछ हो जाता है, करते करते सब कुछ आ जाता है। और देखिए, ये ऐसी जब मैं मेरे घर आया था तो उसके साइड में जो ये थर्मोकोल के डब्बे होते हैं वो पड़े हुए थे, मैंने फेंका नहीं था, उसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ड्रेनेज के लिए होल कर लिया है एक पेचकश को गर्म करके, और उसके बाद उसके ऊपर थर्मोकोल के टुकड़े रख दिए हैं। और ये सूखी हुई गार्डन की पत्ती है, इसे भी मैं फिल कर ले रही हूँ। और सॉइल को अच्छे से मिक्स कर लेना है देखिए, मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत और सैंड मिलाना चाहिए मुझे, तो मैंने थोड़ा सा और सैंड मिक्स कर दिया। और अब इस सॉइल को इस पॉट में फिल करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं ये नर्सरी से लाए हुए इस प्लांट के पॉली बैग को कट कर ले रही हूँ, क्योंकि अच्छा यही होता है कि कट करके हटा दिया जाए, ऐसे रूट डैमेज होने का डर रहता है। आप देखिए, इसमें फ्लावर और फ्रूट आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें रूट कितनी सारी है। इसके सॉइल को थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, अगर रूट इतनी फैली हुई नहीं रहती तो मैं थोड़ी बहुत मिट्टी इसमें से हटाती और हटा के इसे लगाती, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि रूट टूटने का डर है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ और डायरेक्ट इसे सॉइल में लगा दिया और अच्छे से मिट्टी को दबा दबा के फिल किया। तो देखिए, मैंने यहाँ अपना एक वेस्ट मटेरियल यूज कर लिया है, ये एसी के साइड में लगे हुए डब्बों को। इसमें पानी देने का भी एक नियम होता है फ्रेंड्स, कभी भी भूल के प्लांट के ऊपर पानी नहीं देना होता है, इसे साइड में सॉइल में ही पानी देना सही होता है, इससे फंगस वगैरह लगने का, प्लांट खराब होने का डर रहता है, तो इसीलिए पानी हमेशा मिट्टी में दें। और मल्चिंग यहाँ करना ज़रूरी है मुझे, क्योंकि एक प्लांट में देख सकते हैं कि फ्रूट आ रहा है, तो फ्रूट और फ्लावर अगर सॉइल के संपर्क में जाते हैं तो फंगस लग जाते हैं और फ्रूट खराब हो जाते हैं, तो इससे बचाने के लिए मैंने न्यूज़पेपर की मल्चिंग की है। इसकी जगह आप स्ट्रॉ या सूखी घास यूज कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ ही दिनों के बाद ये मेरा स्ट्रॉबेरी पक रहा है और ये इसमें कुछ फ्लावर भी आ रहे हैं, लेकिन देखिए चिड़ियों ने क्या किया, चिड़ियों ने किया है या गिलहरी ने किया है पता नहीं। अब इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ये उपाय लगाया है, मेरे पास एक नेट पड़ा हुआ था, ये मेरा वेस्ट नेट है, इसका कोई यूज नहीं था, तो मैंने इसे इस तरीके से लगा दिया है। फ्रेंड्स, पके हुए स्ट्रॉबेरी को बर्ड और गिलहरी बड़े चाव से खाते हैं, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए या तो एक एक स्ट्रॉबेरी को किसी कपड़े से बांधिए या फिर मेरे तरह से नेट से कवर कर दीजिए, तो हमारा ये स्ट्रॉबेरी बच जाता है। देखिए, मेरा भी बच गया है, देख सकते हैं। आप लोग की तरफ भी अगर ऐसी कोई समस्या है तो फ्रेंड्स, आप लोग को भी इस तरीके का उपाय करना पड़ेगा। और देखिए, कुछ ही दिनों में ये तोड़ने के लायक हो गया है, पक गया है स्ट्रॉबेरी, तो मैं इसे तोड़ ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें से नेट हटा दूंगी क्योंकि अभी सारे के सारे फ्रूट मैंने तोड़ लिए हैं और अच्छे से धूप लगे तब तक मैं इस नेट को यहाँ रख दे रही हूँ। और देखिए किस तरीके से मैंने इस नेट को लगाया हुआ था, इस पर स्टिक अंदर सॉइल में इंसर्ट कर दिया था और उसी के ऊपर मैंने नेट को लगा दिया था। अब देखिए, यहाँ फिर से मेरे एक स्ट्रॉबेरी में फ्रूट आ रहा है, तो अभी मैं न्यूज़पेपर लेकर नहीं आई हूँ कि इसकी मल्चिंग कर सकूँ,
और देखा मैंने छत के ऊपर, तो ये इसमें फ्रूट आए हुए हैं, तो अभी से मल्चिंग करने के लिए न्यूज़पेपर लाना होगा। अगर न्यूज़पेपर नहीं लगाना चाहते तो इस तरीके से कोई पुरानी दिए हों या ईंट के टुकड़े हो तो उसे भी तरीके से लगा सकते हैं। सिर्फ मकसद यही है कि ये सॉइल के संपर्क में नहीं आने चाहिए फ्रूट, अगर सॉइल के संपर्क में आएंगे तो ख़राब होने का डर रहता है फ्रेंड्स, तो बस उन्हें ऊपर कर देना है। तो देखिए मैंने ईंट के टुकड़े लगाए थे फिर भी ये फ्रूट सॉइल को टच कर रहा था, तो मैंने इस तरीके से बांस की डंडी लगा दी थी तो ये बच गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स भी दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।